Hello friends, welcome back to our channel Global Haldwani. And first of all, many thanks to all of you for your love, for your support. Your support means a lot to us. आपका support, आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें energy मिलती है कुछ नया करने की, कुछ आपके लिए innovative लाने की. तो बस उसी लव की वजह से, उसी सपोर्ट की वजह से हमें एनर्जी मिली है और हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ नया लेकर. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई टीच यू समथिंग न्यू टुडे, लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. उससे पहले कि आज हम कुछ नया सीखें, उससे पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं. और क्वेश्चन ये है कि क्या आपका कभी किसी से 36 का आंकड़ा रहा है, या आपको किसी ने ऐसा बोला कि तुम्हें तो इस चीज की नॉलेज नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या आपको किसी ने बोला कि तुम आस्तीन का सांप हो, या तुम किस खेत की मूली हो, मैं तुम्हें देख लूंगा. तो ये जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो अक्सर लोग बोलते हैं, आपने नोटिस किया होगा ये हमारी लैंग्वेज को काफी इफेक्टिव बना देते हैं. और ये जो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम इंडियंस या फ्रेजेस के नाम से जानते हैं. तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आज हमारी क्लास में हम लोग इन्हीं idioms की बात करने वाले हैं. तो कहीं जाना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है. तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास. क्लास को शुरू करते हैं और हमारे पहले idiom को समझते हैं. फ्रेंड्स, हमारा जो पहला idiom है वो झगड़े को लेकर है. आप कह रहे होंगे कि शुरुआत झगड़े से हो रही है. भाई, झगड़ा सच का नहीं है. इडियम को समझने के लिए हमें झगड़े शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. फ्रेंड्स, अक्सर हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर हमारी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पड़ती, और हम जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो मन में गुस्सा आ जाता है, खून खौल उठता है, एक दूसरे को पीटने का मन करता है. आपका भी किया होगा. तो ठीक उसी चीज से रिलेटेड ये idiom है हमारा, और वो है to be at logger's head. तो to be at logger's head का मतलब होता है friends 36 का आंकड़ा होना. तो 36 का आंकड़ा होना का मतलब हुआ कि जब आप किसी से आपका रिलेशन किसी से अच्छा ना निभे, आप एक दूसरे से कभी कंफर्टेबल फील ना करें, जब भी एक दूसरे को देखें एक दूसरे से झगड़ने का दिल करे, तो ऐसे केस में हम इस idiom का इस्तेमाल करते हैं. I have written few of the examples, let's see them. कुछ examples भी मैंने बोर्ड पर समझाने के लिए दिए हुए हैं. जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट लॉगर्स है. तो अक्सर हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 36 का आंकड़ा बना रहता है. हमारे सैनिक हमेशा उनकी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं. तो ये जो हमारा idiom है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है friends, that India and Pakistan are always at loggers head. इसी तरह से second example है, BJP and Congress are always at loggers head. ये तो हम सभी को पता है, राहुल बाबा जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और अक्सर आपने उनके इंटरेस्टिंग कमेंट्स सुने ही होंगे. तो हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है और कांग्रेस है वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं, कभी एक दूसरे की प्रशंसा तो नहीं की होगी उन्होंने. तो दे आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड. इसी तरह से घर में हम भाई बहन होते हैं, तो अक्सर भाई बहनों में तो बहुत झगड़ा होता है, आपने भी किया होगा. तो बिल्लू और पिंकी जो भाई बहन है इनमें कभी नहीं पड़ती. ये जब भी मिलते हैं तो बिल्लू अपनी बहन के बाल खींचता है, तो पिंकी जो है वो उसकी अच्छे से पिटाई कर देती है. तो वो भी अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है. तो बिल्लू एंड पिंकी आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड. तो फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग idiom था. चलिए ऐसे ही अगले idiom की ओर बढ़ते हैं. सो दोस्तों, चलिए हम अगले idiom को समझते हैं. और हमारा जो अगला idiom है वो है अंडर द वेदर. यहाँ पर हमने वेदर का इस्तेमाल किया हुआ है जिसका मतलब होता है मौसम, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर मौसम की बात नहीं कर रहे हैं.
यहाँ पर कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब होना। सबकी होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी हुई होगी। तो इसे चलिए कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं ये समझते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आप चेक एंड फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल एज ही वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। तो राहुल स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और आपकी भी तबीयत बहुत बार खराब हुई होगी स्कूल जाते समय, याद तो होगा ही आपको। इसी तरह से चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे विराट कोहली वॉज अंडर द वेदर येट ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर हिज टीम। तो विराट कोहली का नाम तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, वी प्राउड ऑफ हिम। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज अंडर द वेदर येट ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर हिज टीम। तबीयत ठीक नहीं भी थी लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश के लिए खेलें। वी हैव गॉट वन मोर एग्जाम्पल, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। I had to cancel my tickets as I was under the weather. मुझे अपने tickets cancel करने पड़े क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मेरे सपने तो बहुत थे कि मैं world tour करूँगा, अलग अलग देशों में घूमूंगा, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से because I was under the weather, I had to cancel my all the tickets. तो friends, under the weather यानी कि तबीयत खराब होना, अस्वस्थ महसूस करना, समझ में आया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से बहुत सारे और इंटरेस्टिंग idioms बताने वाला हूँ, कहीं जाना नहीं है। चलिए मुड़ते हैं अगले idiom की ओर। So students, हमारा जो next idiom है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। और वो है a snake in the grass। snake यानी कि सांप, आपने तो देखा होगा, डर भी लगता होगा। grass यानी कि घास। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। फ्रेंड्स, स्नेक इन द ग्रास इज एन idiom विच मीन्स आस्तीन का सांप। यानी कि हम एक ऐसे इंसान के लिए इस idiom का इस्तेमाल करते हैं जो धोखेबाज हो, जो दगाबाज हो, जो किसी को धोखा दे, किसी को अंधेरे में रखे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स को चलिए समझते हैं। There are some people who are just like a snake in grass, share the secret information with the enemies. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दुश्मनों के साथ मिलकर हमें धोखा देते हैं और हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो दुश्मनों को पहुंचाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे स्नेक्स हैं ग्रास में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो हमारे दुश्मनों से मिले होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं दे आर अ स्नेक इन द ग्रास। इसी तरह से लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। राहुल वाज अ स्नेक इन ग्रास एज ही बिट्रेड हिज ओन फ्रेंड। तो राहुल वाज अ स्नेक इन ग्रास, राहुल आस्तीन का सांप निकला एज ही बिट्रेड हिज ओन फ्रेंड। बिट्रे मतलब धोखा देना, छल करना। तो जैसा कि उसने अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया, अपने ही दोस्त को नुकसान पहुंचा दिया, उस दोस्त को जिसने उस पर बहुत भरोसा किया, उसने उसे नुकसान पहुंचा दिया। तो राहुल को हम क्या कहेंगे? हम उसको आस्तीन का सांप ही कहेंगे। तो उम्मीद है ये वाला idiom भी समझ में आया होगा। ऐसे ही चलिए कुछ और idioms पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So friends, let's move on to our next idiom. हम अपने अगले idiom को समझते हैं और वो है cake walk. Cake का नाम सुनकर मुंह में पानी तो जरूर आया होगा, मेरे भी आता है, but अभी ना बात उस cake की नहीं हो रही है, हम यहाँ पर कुछ और ही discussion करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस cake का इस्तेमाल हमने यहाँ पर क्यों किया। तो cake walk is an idiom. ये एक idiom है friends, और इसका मतलब है कोई भी काम जो बहुत ही आसान हो, जो बहुत ही आसान हो, ऐसे में हम उस काम के लिए cake walk का इस्तेमाल करते हैं। जैसे clearing job interview was a cake walk for me. So clearing a job interview was a cake walk for me. यानी कि इंटरव्यू को क्लियर करना मेरे लिए एक
केक वॉक था, बहुत ही आसान काम था। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट। जैसे बात अगर हम करते हैं इंग्लिश बोलने की, तो बहुत सारे लोगों के तो इंग्लिश बोलने से पसीने छूटते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ केक वॉक फॉर मी या हिम। तो उसके लिए तो इंग्लिश बोल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, यानी कि वो उसके लिए बिल्कुल भी केक वॉक नहीं है। बट इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड्स, स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी अ केक फॉर यू, फॉर एवरीवन, बिकॉज इट इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो जहाँ मैथ्स की बात होती है फ्रेंड्स, मैं तो मैथ्स से बहुत दूर भागता हूँ, मेरे मैथ्स बहुत पुअर है। यहाँ पर कुछ उसी का मैंने जिक्र किया हुआ है, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ केक वॉक फॉर हिम बट नॉट फॉर मी। यानी कि मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसके लिए तो बहुत ही आसान काम है, चुटकियों में सॉल्व कर देता है वो, लेकिन मेरी रियलिटी तो कुछ और ही है। वेल, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा केक वॉक, यानी कि कोई भी आसान काम। तो ऐसे ही आपके लिए भी जो भी काम बहुत आसान हो, आप उसके लिए इस एडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने अगले एडियम की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला एडियम है वो है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, तो बीट मतलब होता है पिटाई, बुश मतलब होता है झाड़ी। तो झाड़ी के आसपास पिटाई, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है जो हमें दिख रहा है, इसका मतलब कुछ और ही है। फ्रेंड्स, बीट अराउंड द बुश का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई अपनी बात को सीधे सीधे हमारे सामने नहीं कहता, बातों को गोल मोल करके कहता है, या सीधे मुद्दे की बात नहीं करता, बातों को घुमा फिरा कर करता है। जैसे इसको समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर कहना छोड़ो और मुझे सच सच बताओ, बात क्या है, सच्चाई क्या है। इसी तरह से लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे वी हैव गॉट अनदर एग्जांपल, द क्रिमिनल केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश अंटिल द पुलिस गेव हिम थर्ड डिग्री। तो क्रिमिनल बातों को गोल मोल कर पुलिस को बता रहा था, पुलिस को वो सच नहीं बता रहा था, और तब तक सच नहीं बता रहा था जब तक पुलिस ने उसे थर्ड डिग्री नहीं दिया। और थर्ड डिग्री मिलते ही आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा, राइट। इसी तरह से वी हैव गॉट वन मोर एग्जांपल, क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। तो भाई बातों को घुमा फिरा कर कहना बंद करो और सीधे तौर पर बताओ कि भाई बर्थडे का आपको गिफ्ट क्या चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग एडियम है बीट अराउंड द बुश, यानी कि बातों को गोल मोल कर कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एडियम की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो एडियम है वो है बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है देर से आए दुरुस्त आए, आखिर आए तो सही। तो चलिए कैसे इसे समझते हैं। He realized his mistake after a long time, but it's better late than never. यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर बाद हुआ, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त तो आए, यानी कि फाइनली उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, I was late for my school classes, but it's better late than never. मैं अपनी स्कूल क्लासेस के लिए बहुत देरी से पहुंचा, लेकिन चलो पहुंचा तो सही, एब्सेंट तो नहीं हुआ परमानेंटली। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, जैसे he submitted his assignment late, but it's better late than never. तो उसने अपना असाइनमेंट
थोड़ा देरी से सबमिट किया, जमा किया, लेकिन जमा तो कर दिया, देर आए दुरुस्त आए। तो फ्रेंड ये रहा देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। सो फ्रेंड्स हमारा जो अगला idiom है वो है वंस इन अ ब्लू मून। स्टूडेंट्स वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है किसी चीज का कभी कभी होना, जो चीज अक्सर ना होती हो कभी कभी होती हो। जैसे इसको समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई गो टू वॉच मूवी वंस इन अ ब्लू मून। मैं मूवी देखने कभी कभार जाता हूँ। क्या ऐसा होता है? ऑफ कोर्स मेरे केस में तो नहीं होता। जब भी नई मूवी लगती है तो मैं मूवी जरूर देखने जाता हूँ। आपको भी पसंद होती होगी, आप भी जाते होंगे। ये तो बात सेंटेंस की रही कि आई गो टू वॉच मूवी वंस इन अ ब्लू मून। इसी तरह से लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे ठंड का जब मौसम आता है तो ठंड बहुत लगती है, नहाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस है, ही बेथ्स वंस इन अ ब्लू मून। तो कभी आप ऐसा मत करना। ही बेथ्स वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हुआ वो बहुत कम नहाता है, बहुत ही कम कभी कभी नहाता है। तो ठंड में तो फ्रेंड्स चल जाएगा, बट प्लीज बाकी के वेदर्स में ऐसा मत करिएगा। वेल इसी तरह से ही क्लीन्स हिज रूम वंस इन अ ब्लू मून। तो ही क्लीन्स हिज रूम वंस इन अ ब्लू मून यानी कि वो अपने घर की सफाई कभी कभार ही करता है। उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, घर की सफाई तो रेगुलर होनी चाहिए, है ना? तो इट शुड नॉट बी वंस इन अ ब्लू मून। तो फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून यानी कि किसी चीज का कभी कभार ही होना। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट idiom है वो कुछ इस तरह से है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने मत दो जिससे कि आपको पछताना पड़े, अक्सर ऐसा कहा जाता है। तो चलिए हम इसे कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं। यू हैव मिस्ड ट्रेन बिकॉज यू अराइव्ड लेट, नाउ डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तुमने ट्रेन इसलिए मिस की है क्योंकि तुम लेट आए हो, अब पछताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ट्रेन जा चुकी है, यानी कि चिड़िया खेत चुग चुकी है। इसी तरह से लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क सो यू विल बी पनिश्ड, नाउ यू डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही, अब पछताने से कोई फायदा है नहीं, पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब हुआ अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग idioms थे जो हमने आज की क्लासेस में पढ़े, और अगर आपको ये idioms पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें जिससे हमें एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और एक गुड न्यूज आपके लिए और है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस ने अपनी ऐप भी शुरू कर दी है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर ऐप। तो अगर आप हमारी ऐप से भी जुड़ना चाहें तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से आने वाले वीडियोस में नई चीजों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।